हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आज मार्केट के गिरने के पीछे का रीजन क्या था, टेक्निकल पे भी और फंडामेंटल पे भी। इसके अलावा हम लोग जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस पिन पॉइंट का लेवल, कल की डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश होगी। साथ में मैं आपको दूंगा तीन स्टॉक्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने पहली बार क्लिक किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली इवनिंग में जो है आपको एडवांस में मिलते हैं 3 कॉल्स। इसके अलावा इंडेक्स का पिन पॉइंट का लेवल, साथ में मिलती है ऑप्शन चेन के एनालिसिस एंड हमारे ट्विटर पे डेली पोस्ट होते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं वो किस साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं, क्लाइंट किस साइड है और आपके HNI NDI किस साइड है, और इसे हमें ट्रेडिंग में जो है काफी एक अच्छे लेवल का जो है हेल्प मिलता है। एटलीस्ट आप एक वीक तक इसको फॉलो कीजिए, एक वीक में आपको जो आंसर मिलेगा कि आपको इस चैनल पे बने रहना है या नहीं बने रहना है। एक वीक फॉलो कीजिए, पेपर पे नोट कीजिए हमारी एनालिसिस को, हमारे रिजल्ट को, उसके बाद आप डिसाइड लीजिए कि आपको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गिरने का जो फंडामेंटल रीजन वो था कि MSCI का जो है आज जस्ट सम एडजस्टमेंट था, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये पता कैसे चलता है कि MSCI का जो है आज इंडेक्स का रीबैलेंसिंग है या कब होगा, इसको हम कैसे ट्रेस करें। तो सिंपल सा चीज है दोस्तों कि जब भी आपका क्वार्टर आता है तो क्वार्टर एंड में इनके जो एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ ये लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, कुछ को जो है प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उसी की जो है आज बदौलत जो है मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिखाया, और टेक्निकल भी जो है एक बहुत अच्छा खासा जो है पैटर्न हमें यहाँ पे शो हो रहा था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि टेक्निकली आप कैच कर सकते थे या नहीं। लेकिन एक रेंज और ऊपर जानी थी, वो नहीं गई, और उसी के लिए हमने बाई भी दिया था, और इसीलिए हमने बाई जो है जस्ट 30 पॉइंट कैसल से दिया था। ट्रायंगल का पैटर्न था, और यही पैटर्न आपके कल के भी ट्रेडिंग सेशन में डेवलप हुए थे, जिसका आज ब्रेकडाउन जो है ओपनिंग में ही हो गया था, क्योंकि रेंज ब्रेक हो गई थी गैप डाउन के साथ। तो पॉसिबल ये था कि गैप डाउन के साथ ही थोड़ा सा ऊपर जाके गिर जाएगा, इसीलिए हमने आपको बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे जो है सेल दिया था मॉर्निंग में, जो कि हमारा 850 का लेवल था, और वहां पे जो है 880 के हाई लगे थे। और ये न्यूज ऐसा नहीं कि बाद में, ये न्यूज जो है पहले से पता थी, मार्केट को पहले से पता रहती है। आप भी अगर ट्रेस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कब इनका रिबैलेंसिंग हो रहा है। सोशल मीडिया वगैरह पे जो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो लोग शेयर कर देते हैं, जो मार्केट पे आर्टिकल लिखते हैं या जो मार्केट को ट्रेस करते हैं, तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, या अगर न्यूज जैसे ब्लूमबर्ग है, इस टाइप के जो प्रिंट डिजिटल मीडिया है जैसे ब्लूमबर्ग है, मनी कंट्रोल है, यहाँ पे अगर आप हो तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी रीजन के हिसाब से भी और इस ब्रेकडाउन के बाद भी हमने यहाँ पे सेल दिया था। हालांकि वहां से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, सिर्फ 600 समथिंग की गिरावट हुई थी। पॉसिबल था कि वहां से गिरे, लेकिन मार्केट यहाँ से जो है एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, चूंकि अब टाइम की कमी थी, लेकिन चूंकि पॉसिबल था कि गिरना है और इनके जो टाइमिंग होते वही होते हैं, एक मूव के लिए हमने यहाँ के मूव के लिए जो है बाय दिया था, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा था, और चूंकि ये रिवर्स हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 30 पॉइंट का हिट हो गया। तो काफी लोगों को काफी खुशी हुई, जो ट्रोलर्स टाइप के लोग हैं। हमने यहाँ से तुरंत जो है 35600 के पुट में जो एंट्री कराई, और यहाँ से छोटे टारगेट के लिए पहले हमने बोला कि बुक कीजिए, और बाकी जो दूसरा टारगेट था वो एक अच्छे खासे लेवल पे मिला। अगर उसके बाद भी किसी ने होल्ड किया सिर्फ जस्ट चंद 5 मिनट, तो उसकी फॉल आप देख सकते हो कि 700 से लेकर जो 400 की जो फॉल हुई है, मोटा मोटी ये तो 320-280 तक गया है शार्प में, बहुत शानदार रही। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है कितना मिला होगा अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो, और अगर हमारे लेवल पे भी एग्जिट किया होगा तो भी गेन अच्छा था, लॉस रिकवर तो हो ही गया 30 पॉइंट से ज्यादा का, अदर प्रॉफिट भी अच्छे खासे हुए। और इसके बाद जो इंट्राडे की जो लाइव कॉल्स थी, सबने जो है अच्छे खासे लेवल से प्रॉफिट दिए। वेदांता को बाई दिया था, सन टीवी को बाई दिया था डिप में, जिस लेवल पे बाई दिया था उसी लेवल पे लो लगा के, और वहां से एक अच्छा गेन दिया था, जिसको बोलते हैं हम पिन पॉइंट की एंट्री एग्जिट, और यही हम जो है अपने क्लासेस में भी सिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, और काफी अच्छे लेवल तक हम लोग जो है इसमें सक्सेस भी हैं। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो जो है सीख रहे हैं, अपनी ट्रेडिंग जो खुद से कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा आज मुझे अफसोस हुआ सिर्फ एक कॉल पे, वो था MCX, जो कि आज का थर्ड गेनर था बाद में, वैसे तो एक समय पे ये फर्स्ट गेनर भी था 8% से ज्यादा का जो है गेन लेके। ये स्टॉक मेरे रडार पे कल था, लेकिन मुझे थोड़ी सी वहां स्ट्रेंथ की कमी दिखी, सिर्फ
एक कंफ्यूजन की वजह से मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, पर जब मैंने आज उसको देखा अपने इस सीट में जहाँ पे टॉप गेनर स्टॉक, इस सीट को अगर आप बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, मैंने दी हुई है इसकी सेशंस, सीट को आप इजिली जो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही छोटे समय में आप इसको बना सकते हो। जस्ट चैनल पे जाइएगा और चेक कीजिएगा कि मोबाइल में डैशबोर्ड कैसे बनाए। बेसिकली हमने ये मोबाइल्स के लिए ही बनाया था ताकि जो हमारे ट्रेडर हैं जो मैक्सिमम फील्ड में रहते हैं मोबाइल के साथ रहते हैं वो लोग यूज कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा कि M6 काफी अच्छे गेन के साथ है, तो हमें जस्ट याद आया कि ये हमारे कल के स्टॉक सिलेक्शन में था, बट फाइनल में इसको हमने निकाल दिया था और आज हम इस चीज को मिस किए जो कि आप लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। बट कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, आगे ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पे हम आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट देंगे। अब आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों कॉल है कल के लिए, वो है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी को हम लोग कल बाई करके चल सकते हैं 8430 के ऊपर और हमारा एशल होगा 8400 का। इसमें आप छोटी क्वांटिटी ही बाई कीजिए, स्टॉक वोलेटाइल होता है, स्टॉप लॉस तो 30 पॉइंट के हैं, 10 पॉइंट भी बाई करेंगे तो गेन इसमें आराम से 50 से 100 पॉइंट के इजिली मिलेंगे अगर स्टॉक कल चला लेवल के ऊपर। तो इसलिए छोटी क्वांटिटी में भी आपको अच्छा गेन मिलेगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 3950 के ऊपर और एशल होगा हमारा 3920 का। एक स्टॉक हमारे सिलेक्शन में शेल के लिए है जो कि HDFC लाइफ है, उसको हम लोग शेयर करेंगे 594 के नीचे और एशल हमारा होगा 599 का। मैं बहुत गिने चुने स्टॉक्स देता हूँ, 3 स्टॉक्स देता हूँ, पहले हम 5 स्टॉक देते थे, अभी बिल्कुल आप लोगों के फीडबैक के बाद हमने जो है 3 स्टॉक्स कर दिया है और लाइव में टेलीग्राम चैनल पे कॉल देते हैं जहाँ पे भी कोशिश होती है कि महज 2 से 3 स्टॉक्स दिए जाएं, बहुत ज्यादा नहीं। अगर बहुत ज्यादा मार्केट डायरेक्शनल है तब वहाँ पे और स्टॉक्स ऐड होते हैं, अदरवाइज सिर्फ 2 से 3 लाइव स्टॉक्स भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं अगर लेवल नहीं मिला या पॉसिबिलिटी वहाँ पे अच्छी खासी नहीं दिख रही है। तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं एनालिसिस इंडेक्स की। तो सबसे पहले हमारा जो है दोस्तों बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए जो कल का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 36,323 का और सपोर्ट है 34,810 का। आज का जो फॉल था वो MSCI के इंडेक्स रिबैलेंसिंग की वजह से था जो कि सडन आपने फॉल देखा, और अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ओवरऑल मार्केट आपको 100 पॉइंट का जो है गैप अप इजिली जो है यहाँ पे दिखा रहा है जो कि प्रोविजनल क्लोजिंग में ही आई है। तो अगर 100 पॉइंट का गैप अप हुआ और 35,400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगी तो जस्ट 300 का ऐसा लगा के लॉन्ग कर लीजिएगा 35,700 तक के टारगेट के लिए। अब नेक्स्ट उसके बाद मूव तब मिलेगी जब आप 35,850 और 900 के पास सस्टेन करके अच्छे से कंसोलिडेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाएंगे, तब अच्छे से कंसोलिडेशन करके तब जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तब नेक्स्ट मूव मिलेगी, अदरवाइज फिर यहाँ से करेक्शन हो सकती है। ठीक है, यही कल के लिए जो है बैंक निफ्टी का जो है व्यू होगा और यही एक लेवल होगा और सिंगल व्यू सिंगल लाइन में सिंगल जो है कंफर्मेशन सिंगल ट्रेड, नो सेल ओनली बाय लेवल, अदरवाइज जस्ट वेट फॉर लाइव कंफर्मेशन। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन हुआ, इस हिसाब से नहीं शटअप हुआ तो वेट कीजिएगा लाइव कंफर्मेशन के लिए। अब इसके बाद ऑप्शन चेन की जो है एनालिसिस देखते हैं एक्सेल शीट के हिसाब से। तो आज अगर आप देखेंगे तो पुट सेल और पुट भाई भी दिखाई देगा यहाँ पे क्योंकि रिबैलेंसिंग थी और यहाँ पे कॉल सेलिंग भी दिख रही है, तो उस डेटा को देखने का आज बहुत ज्यादा कोई सेंस नहीं होगा। हाँ, निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है, जो निफ्टी कह रहा हूँ, जो NSE का जो ऑप्शन चैन है उसको जरूर देखना हमें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पोजिशन हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो कम्प्लीट पोजिशन है इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 लाख आपके कॉल सेलर हैं और 8 लाख जो पुट सेलर हैं। तो कॉल सेलर लास्ट में थोड़े से बड़े हैं क्योंकि मार्केट जब गिरने लगा तो एग्रेसिवली कॉल सेलिंग हुई है जो कि आपको लाइव के यहाँ पे ऑप्शन चैन की शीट में भी दिख रही है। 4 स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो सेलिंग आई है, इसके बाद डीप ITM पे जो है स्क्वायर ऑफ हमें दिख रही है। वहीं पुट सेलिंग में देखेंगे तो पुट सेलिंग सम स्ट्राइक प्राइस पे जो है आपको स्क्वायर ऑफ दिख रही है और कुछ लॉन्ग भी है लेकिन ये OTM में जो है लॉन्ग दिख रही है, OTM में लॉन्ग है एंड इसमें सम शॉर्ट भी है लेकिन सबसे ज्यादा जो स्क्वायर ऑफ है वो ITM पे। जब मार्केट गिरेगा तो वेल नोन है कि जितने भी हमारे पुट सेलर हैं वो एग्जिट लेंगे ही लेंगे, नहीं तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो अपने लॉस को अवॉइड करने के लिए लोग पुट सेल से एग्जिट लेंगे ही लेंगे। तो आज का डेटा भी थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ होगा क्योंकि चूंकि रिबैलेंसिंग हुई है तो रिबैलेंसिंग के समय ऐसा ही होता है। अब आगे चलते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस, निफ्टी के सपोर्ट एंड पिन पॉइंट के। आगे चलते हैं निफ्टी के लेवल पे। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 16,760 एंड जो सपोर्ट है 16,430। निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और गिरी भी कम थी, कंपेयर टू बैंक निफ्टी कम गिरी क्योंकि ज्यादा जो रिबैलेंसिंग हुई है वो बैंक निफ्टी में ही थी, इसी वजह से यहाँ पे गिरी है। तो अब निफ्टी का अगर लेवल देखेंगे तो काफी एक अच्छा खासा जो है लेवल निकल के आ रहा है। 3 दिनों से जो है मार्केट इसी लेवल को होल्ड कर रहा है, इसी लेवल के पास है
और हमने इसको BTST के तौर पे 15600 की कॉल को भी दिया हुआ है, 93 के 92 93 के करीब दिया था, 94 95 पर सम सेटलमेंट आई है। तो बहुत अच्छा सा सपोर्ट है यहाँ पे, जब तक 500 ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे लॉन्ग ऐड करेंगे। अगर नीचे आता थोड़ा और ऐड करने का मैंने वे दिया हुआ है कि अगर कहीं गैप डाउन हुआ थोड़ा मोड़ा तो वहाँ पे और ऐड करना है। जब 520 का लेवल जो ब्रेक होने लगेगा यानी 495 का, तब यहाँ से गिरावट आएगी, अदरवाइज यहाँ से बाउंस आएगा। और बाउंस आएगा तो कहां तक जा सकता है, तो पॉसिबल है कि 700 तक जा सकता है, 700 एंड 750 एरिया, ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। अब जो हमें फर्दर सेल करना है 750 700 के आसपास करना है, अगर वहां पे मार्केट स्टक होता है, हमें प्राइस एक्शन मिलता है कि मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो, अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और 495 के लेवल को ब्रेक करके प्रॉपर सस्टेन करने लगेगा तब हम अपने व्यू को चेंज करेंगे, अदरवाइज टिल टाइम तक हम इस हिसाब से जो है ट्रेड को ऑन करेंगे। अब निफ्टी के जो ऑप्शन चैन को देखते हैं यहाँ पे कि निफ्टी के ऑप्शन चैन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। निफ्टी के ऑप्शन चैन में देखिए तो 14 लाख पुट सेलर है एंड 13 लाख जो कॉल सेलर है, तो डेटा तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख पुट सेलर ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है यानी कि पुट सेलिंग अभी भी ज्यादा है कम्पेयर टू कॉल सेलिंग, यानी कि जो ओवरऑल डेटा है वो बुलिश दिख रहा है मार्केट में। अब अगर स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो डीप आईटीएम पे जो कॉल सेलिंग है वो स्क्वायर अप आपको दिख रही है मार्केट के गिरने के बावजूद, और पुट सेलिंग भी स्क्वायर अप है लेकिन कम्पेयर टू कॉल सेलिंग पुट सेलिंग कम स्क्वायर अप है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर अप की संख्या ज्यादा आ रही है। और यहाँ पे फ्रेश सेलिंग या तो फ्रेश बाइंग भी हो सकती है, जो कि हमारे इवनिंग में जो पार्टिसिपेंट वाइज जो ऑप्शन के डेटा जो ट्विटर पे पोस्ट होंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा, तो उसमें जरूर देखिएगा, जिस वे से मैंने कल बताया था चेक करने के लिए उसी वे से चेक कीजिएगा, क्योंकि डेटा जो है लेट आएगा इसलिए हम उसको वहां पे पोस्ट करेंगे, लेट नाइट होगा 10 o'clock तक आ जाएगा वहां पे पोस्ट होकर, जरूर उसको चेक कीजिएगा, उससे एक आपको डिजिटल व्यू मिलता है कि बड़े ट्रेडर किस साइड पोजिशन बना कर रखे हैं और मेजोरिटी की साइज है, उस हिसाब से हमें मार्केट को देखना है। अब इसके बाद अगर मेजोर जो स्टाइक प्राइस पर देखेंगे तो 72,000 जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, और पुट के साइड में जो है 16,500, और इसीलिए मैंने बोला कि जब तक 500 टूटेगा नहीं तब तक यहाँ से फ्रेश सेल नहीं होगा, यानी कि 16,500 जो है ना इतना इजिली नहीं टूटेगा, यहाँ पे पुट सेलर काफी अच्छे से एक्टिव है, सो वो 16,500 को बिल्कुल होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो हेल्प होगी, अगर आप हमारी तरफ पिन पॉइंट एनालिसिस करना चाहते हैं हमारे क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।